वेलकम गाइस। तो यार सबसे पहले हमारे पास जो टाइम मैं आपको दिखा दूँ, ज़रा इस वक्त हो रहा है, ज़रा क्लोजअप मारो ना। 3:54 हो रहे हैं और मैं बैठा हुआ था अकेला, तो मैंने सोचा कि यार चलो एक म्यूज़िकल इवेंट हुआ था तो उसका एक वीडियो एडिट पड़ी थी, तो इस पर व्लॉग बना लेता हूँ। व्लॉग क्या मतलब, एक स्टोरी टेलिंग टाइप हो जाएगा। तो राणा बजाज जिसने परफॉर्म किया था म्यूज़िकल ईव पे, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। ही कॉल्ड मी एंड आस्क मी कि स्नाथ ऐसे ऐसे म्यूज़िकल इवेंट है तो उसको कवर अप करना है, कवर कर लेगा। तो मैंने कहा वाई नॉट भाई, ऐसी अपॉर्चुनिटी आए और मैं छोड़ दूँ कैमरे का काम और मैं ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यार मेरा मुंह बहुत मोटा आ रहा है, या पता नहीं मैं वाकई में हेल्दी हो रहा हूँ। और पिछली दफ़ा पिछले ब्लॉग में मेरा कैमरे का स्टेबल का मसला था, वो भी हो गया क्योंकि मोनोपोड भी सॉरी गिम्बल भी चार्ज है और वो स्टैंड भी, वो जो स्ट्रिप थी वो भी मुझे मिल गई थी। तो उस वो जो म्यूज़िकल इवेंट था ना, उसका एक 30 से 40 सेकंड की एक एडिटेड वीडियो है जो मैंने बना के उन्हें दी थी। सबसे पहले आप लोग वो एंजॉय करें, जब तक मैं सोचता हूँ कि मैंने आगे क्या बोलना है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, नींद भी आ रही है। लेकिन मैंने कहा यार रूम में अकेला हूँ तो वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और हॉस्टल में अकेला कमरा मिलना बड़ा मतलब नसीबों वाला होता है। जो जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें पता है कि अकेला रूम, सब रूममेट्स गए हों तो ही आप कंफर्टेबल हो सकते हो, वरना कभी कोई देख रहा होता है, कभी कोई देख रहा होता है, जल्दी से आप वो। अच्छा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार म्यूज़िकल ईव हो रही है और इसमें मतलब एक मैंने दिखा दिया सारा कुछ एडिटेड फॉर्म में, तो इसमें सिंगिंग तो हो नहीं रही। तो चलें फिर, एक ये मैंने वीडियो निकाल ली है एडिट के लिए, ये मैं उधर पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे। तो ये सिंगिंग का मैंने सबसे बेस्ट वीडियो जो है वो निकाली है। आप इतनी देर गाना सुने, मैं इतनी देर देखता हूँ कि अगला मैंने कौन सा क्लिप डालना है। अगर म्यूजिकल ईवो और गिटार का उसमें कोई काम ना हो तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो उस गिटारिस्ट ही मतलब वो बहुत अच्छा कमाल का गिटार बजा रहा था, आई थिंक ही इज़ प्रोफेशनल। तो वो आप ये क्लिप लाजमी देखें, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं अच्छा सा बनाऊं, क्योंकि सिनेमेटिक सीन्स दिखाने का इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक एडिटेड ओवरऑल फॉर्म दिखा दी है। तो ये ज़रा गिटार वाले का जलवा देखें, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छा क्लिप बनाऊँ। एंड आपको ज़रा अपने टीचर जो कि हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, उन्होंने काफ़ी मज़े का माहौल बना दिया था पूरे म्यूज़िकल ईव में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यार वो जब स्टेज पे आएंगे तो इतना कमाल कर देंगे। उन्होंने कुछ शेर पढ़े थे जो कि वाकई बड़ा मज़ा आ रहा था उसको सुन के, और गाना भी गाया था उन्होंने माशाल्लाह, इतनी सारी उम्र में आगे भी गाना गा रहे थे। तो ये आप लोग भी ज़रा देखें, इंजॉय करें। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस, एंड अल्लाह हाफिज़। बुझता शोला फिर भड़का है, तौबा है, बिजली बन कर ये कड़का है, तौबा है। आंखों में शोले, लब पर अंगारे हैं, आंखों में शोले, लब पर अंगारे हैं, उस पर सुर्खी का
भाई। उधर से उसने मीठी सी आवाज लगाई, यहाँ पे हर बाबा फड़का है। Thank you.